अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पाँच मरला यूनिट और बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया है। कलर कम्बिनेशन इसका जो मैप डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन दी गई है इसे। ये इसमें स्ट्रीट व्यू है, 40 फीट वाइड रोड है और आसपास आप देख सकते हैं पॉपुलेटेड एरिया है ये। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है। फ्रंट एलिवेशन में फुली इसमें ग्रे कलर में रॉक वॉल है। ये राइट साइड पर इसका टेरेस है और इसके साथ आप देख सकते हैं आउटडोर लाइट्स हैं और बिल्कुल सामने ये टाइल का पैच दिया गया बिल्कुल फ्रंट पे और बहुत ही खूबसूरत जो है ओवरऑल इसके फ्रंट एलिवेशन की लुक है। और ये लेफ्ट साइड पे ये विंडो है, ये बेडरूम की विंडो है फर्स्ट फ्लोर पे। इसके साथ बालकनी दी गई है और आप देख सकते हैं हाई ग्लास, इसमें हाई ग्लास विंडो दी गई है ये। और इसके साथ ये टॉप इसकी ममटी का व्यू है और ये लेफ्ट साइड पर विंडो के साथ आप देख सकते हैं ये वुडन डिज़ाइन में यहाँ पर ये टाइल का पैच दिया गया। तो इस तरह इसका फ्रंट एलिवेशन ओवरऑल डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ये इसकी मेन वॉल है, फ्रंट वॉल पे ग्रास वर्क है, टाइल वर्क है और रॉक वॉल है। ये आउटर लॉन दिया गया आप देख सकते हैं, प्लांटेशन की गई है, बहुत ही खूबसूरत जो है इसे एक लुक प्रोवाइड की गई है। और ये इसमें मेन डोर है, मेन डोर आप व्यू कर सकते हैं, लाइट और डार्क ग्रे कलर में इसे पेंट किया गया। ये इसमें रैम का व्यू है, रैम के साथ बिल्कुल सामने ये गैराज है। गैराज में आप देख सकते हैं आपकी एक बड़ी गाड़ी यहाँ इजीली पार्क होगी। इंट्रेस के साथ राइट साइड पे टाइल वर्क है, आर्टिफिशियल ग्रास है, अगेन आप देख सकते हैं टाइल वर्क है। ये निश दी गई है, इसमें टाइल वर्क है, ग्रास इसमें यूज़ किया गया, वुडन वर्क है, लाइट्स दी गई हैं। इसके साथ ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, शैंडल या स्टॉल है। बिल्कुल सामने ये मेन डोर है और गैराज आप देख सकते हैं फुली टाइल कवर्ड है, कम्प्लीट यहाँ पर टाइल वर्क हुआ है। इंट्रेस के साथ लेफ्ट साइड पर ये फ्रंट ओपन स्पेस है, ये इसमें विंडो दी गई है। ये ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम की विंडो है, सेफ्टी ग्लिस में दी गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है। ये फर्स्ट फ्लोर पे बेडरूम की विंडो है, ये इसका टेरेस है और ये इसमें गैराज का व्यू। इस तरह इसके फ्रंट साइड डिज़ाइन की गई है। बिल्कुल सामने मेन डोर है, ये इसमें ड्राइंग रूम का डोर है और मेन डोर के साथ ये पाउडर रूम दिया गया है। ये वैनिटी है, एशियन सीट या स्टॉल है, मिरर फुली टाइल कवर्ड है और इसके साथ ये मेन डोर है। ये ड्राइंग रूम का डोर है, ड्राइंग रूम के डोर से हम एंटर होंगे और इससे पहले आप देख सकते हैं डोर का डिज़ाइन सॉलिड वुड में से तैयार किया गया, बिल्कुल सिंपल इसका डिज़ाइन है, बड़ी जो है नाइस इसकी फिनिशिंग है। ये हम आगे हुए इसके ड्राइंग रूम एरिया में, ड्राइंग रूम में आप व्यू कर सकते हैं बिल्कुल सामने फ्रंट फ्यूचर वॉल दी गई है, बहुत ही खूबसूरत इसमें ये आप देख सकते हैं कैलीग्राफी की गई है और ये निश दी गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है, वॉलपेपर दिया गया या ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन या इंस्टॉल है। इसके साथ ये इसमें विंडो है, सेफ्टी ग्लिस में यूज़ की गई है और ये वुडन वर्क है। इसके साथ ये फ्रेम में आप देख सकते हैं ग्लास इसमें डेकोर किया गया, बहुत ही खूबसूरत इसे ओवरऑल जो है एक लुक प्रोवाइड की गई है। ये इसका ड्राइंग रूम एरिया है, बिल्कुल सामने ये लिविंग एरिया है। ये इसके ड्राइंग रूम का सीलिंग डिज़ाइन फैन या इंस्टॉल है और आप देख सकते हैं आप इसे फुली एज आ एक कम्प्लीट बिग हॉल इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्टीशन करना चाहें तो ड्राइंग रूम के लिविंग एरिया से आप पार्टीशन कर सकते हैं या आप कर्टन यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ये इसका ड्राइंग रूम एरिया, बिल्कुल सामने लिविंग एरिया और ये इसमें मीडिया वॉल है, वुडन प्लैंक्स हैं, यहाँ पे शीट वर्क है, ये बॉक्सेस दिए गए हैं। इसके साथ ये ग्लास पैनल यूज़ किया गया, तो ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत इसकी मीडिया वॉल जो है डिज़ाइन की गई है बिल्कुल सामने। ये इसकी फ्रंट वॉल है तो ड्राइंग रूम की तरह सेम इसे भी बहुत ही खूबसूरत इसे डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ये सीलिंग डिज़ाइन है, शैंडल या इंस्टॉल है और वुडन वर्क हुआ है या ग्लास पैनल है, फैन या इंस्टॉल है। बिल्कुल सामने ये स्टेयर्स हैं जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर को अप्रोच करेंगी। तो ये इसके लिविंग एरिया का एक फुल व्यू है, ये बिल्कुल सामने ड्राइंग रूम एरिया, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया। और ये इसमें एंट्रेंस के साथ राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये बॉक्सेस दिए गए यहाँ पे स्टोरेज के लिए। इसके साथ ये मिरर या इंस्टॉल है, ये वॉल पे कंप्लीट वॉलपेपर यूज़ किया गया। नीचे ग्राउंड पे एक बेडरूम है, इसके साथ किचन स्पेस है। पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर थीम में इसमें ये शीट वर्क हुआ है, आई ग्लास शीट यूज़ की गया, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, वॉल के साथ फुली टाइल वर्क है, सिंक या इंस्टॉल है, नीचे ग्राउंड पर टाइल वर्क है, सीलिंग डिज़ाइन में शैंडल है और ये लाइट में जो कलर थीम रखा गया वो बहुत ही फ्रेश जो है इसका व्यू आ रहा है। ये इसमें किचन का व्यू है, बिल्कुल सामने विंडो है, डोर है जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन हो रहा है, 5 फीट गली दी गई है इस घर की बैक पे, एग्जॉस्ट या स्टॉल है।
तो ये इसके किचन का व्यू था, इसके साथ बेडरूम है बिल्कुल सामने। ये विंडो है जो इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी, और इसकी बैक गली में भी आप देख सकते हैं इसे फुली जो है डेकोर किया गया है, बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। ग्रास वर्क है यहाँ, टाइल वर्क है, वाटर यूनिट है, और सेफ्टी ग्रिल्स में यूज़ की गई है इस विंडो में। बिल्कुल सामने ये मिरर दिया गया, ड्रेसिंग के लिए आप इसे यूज़ करेंगे, और ये बेड साइड वॉल आप व्यू कर सकते हैं। वुडन प्लैंक्स हैं यहाँ पे, कोशिश किया गया है, ब्रास वर्क हुआ है, यहाँ हैंगिंग लॉब दिए गए, बहुत ही खूबसूरत ओवरऑल इसकी लुक है। ये इसका सेलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है, और ये कंसील वार्डरोब आ जाती है। इसके साथ ये वॉशरूम एरिया, बिल्कुल सामने वैनिटी है, इलेक्ट्रिक मिरर, हैंगिंग लॉब, ये सीलिंग डिज़ाइन, एग्जॉस्ट शावर सेट या इंस्टॉल है। ये इसका आपका कमोड एरिया आ जाता है, नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल है। तो ये इस वॉशरूम का एक फुल व्यू। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में। ये इस ग्राउंड फ्लोर का एक फुल जो है व्यू था, इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया। एक बेडरूम है, इसके साथ किचन स्पेस जो भी हमने विज़िट की, ये इसका लिविंग एरिया और ये ड्राइंग रूम एरिया, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विज़िट करेंगे। बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ये स्टेज स्टेप में ग्रेनाइट दिया गया, लाइट्स दी गई यहाँ पर, और ये स्टील में इसकी रेलिंग दी गई है। बिल्कुल सामने ये निश है, वुडन वर्क है, यहाँ ग्लास पैनल है, शैंडल ये इंस्टॉल है, और ये वॉल के साथ ग्लास पैनल है, वुडन वर्क है, वॉलपेपर यूज़ किया गया, बहुत ही खूबसूरत इस वॉल को डिज़ाइन किया गया। और इसके साथ अगेन यहाँ शैंडल हैंग कर रहे हैं, ये विंडो दी गई, ये डोर है, इसके टेरेस का डोर है ये बिल्कुल सामने, ये लिविंग एरिया की और फ्रंट वॉल डिज़ाइन की गया, ग्लास पैनल है, वुडन वर्क है, या वॉलपेपर LED यूनिट दिया गया, ये सीलिंग डिज़ाइन, फैन या इंस्टॉल है। इंटरेस्ट के साथ राइट साइड पर बैक साइड पर घर की ये किचन स्पेस है, और ये बेडरूम है, और फ्रंट साइड पे ये आपको टेरेस मिलता है। इसके साथ अगेन एलिवेशन वाली साइड पे ये बेडरूम दिया गया है। ये इसके स्टेज का व्यू है, तो पहले हम इसकी बैक साइड विजिट करेंगे, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर सा इसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर पे भी किचन जो है स्पेस मैनेज की गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लास पैनल और वुडन वर्क के साथ ये स्टेज से किचन की पार्टीशन की गई है। बिल्कुल सामने ये वॉल डिज़ाइन की गई है, वुडन प्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पे, शैंडल या इंस्टॉल है। ये कैबिनेट एरिया आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है कलर में शीट वर्क हुआ है, और ये काउंटर टॉप पे ग्रेनाइट दिया गया, बर्नर वुड या इंस्टॉल है, वॉल के साथ टाइल वर्क, बिल्कुल सामने सिंक, ये विंडो दी गई है, एग्जास्ट, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत लाइट्स दी गई हैं इसके सीलिंग डिज़ाइन में। तो ये इसके किचन एरिया का एक ओवरऑल व्यू था। इसके साथ बैक साइड पर ये बेडरूम दिया गया, ये बेडरूम आप विज़िट करेंगे, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम एरिया के साथ ये ड्रेसिंग डिज़ाइन किया गया। ये विंडो है जो इसकी बैक की तरफ ओपन होगी, ये बेड साइड वॉल आप व्यू कर सकते हैं, यहाँ बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये वुडन कॉलम आप देख सकते हैं डिज़ाइन किए गए, ग्लोब या इंस्टॉल है, वॉल पेपर, सीलिंग डिज़ाइन में अगेन वुडन वर्क है, और सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन या इंस्टॉल है। बेड साइड वॉल के सामने ये मीडिया वॉल है, कंसील वार्डरोब दी गई है, और ये इसमें वॉशरूम है, वॉशरूम से पहले ये ड्रेसिंग एरिया आ जाता है। ये इसमें वैनिटी, इलेक्ट्रिक मिरर, हैंगिंग ग्लोब, सीलिंग डिज़ाइन, शावर सेट, कमोड एरिया, और बहुत ही खूबसूरत कलर थीम में टाइल वर्क आप देख सकते हैं। ये इसमें विंडो दी गई है जिसकी बैक की तरफ ओपन होगी, एग्जॉस्ट या इंस्टॉल है। तो इस तरह इस बेडरूम को डिज़ाइन किया गया। ये इस बेडरूम का एक ओवरऑल व्यू, ये सीलिंग डिज़ाइन। ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, तो बैक साइड पर एक बेडरूम है, ये किचन स्पेस इस तरह से डिज़ाइन किया गया। ये इसका लिविंग एरिया, और फ्रंट साइड पे ये आपका सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये हम विज़िट करेंगे, बिल्कुल सामने ये डबल निश है, ग्लास पैनल में बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग है, इसमें लाइट्स दी गई हैं, वुडन वर्क है, और बिल्कुल सामने ये विंडो है, इसके साथ बालकनी दी गई है, विंडो बाइस इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है, बेड साइड वॉल है, वॉल पेपर है, ग्लोब या इंस्टॉल है, वुडन वर्क है, और बेड साइड वॉल के सामने ये LED यूनिट दिया गया, मीडिया वॉल है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं इसका, और ये इसमें वॉशरूम एरिया, वॉशरूम से पहले ये वार्डरोब है, इसके सामने ये ड्रेसिंग डिज़ाइन किया गया, और ये इसमें वॉशरूम एरिया, बिल्कुल सामने शावर स्पेस है, यहाँ ये ग्लास से पार्टीशन की गई है, कमोड एरिया है, ये वैनिटी आ जाती है, इलेक्ट्रिक मिरर, हैंगिंग लॉब दिए गए हैं, सीलिंग डिज़ाइन, ये वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, और आप देख सकते हैं फुली टाइल कवर्ड इस वॉशरूम को डिज़ाइन किया गया। तो ये इस बेडरूम का व्यू था, सेकेंड बेडरूम ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पर डिज़ाइन किया गया, और इसके साथ ये फ्रंट साइड पे दिया गया टेरेस, ये टेरेस हम विजिट करेंगे, टेरेस में ये डबल डोर दिया गया, और आप देख सकते हैं ये ग्रे कलर में टाइल वर्क है, वाटर यूनिट है यहाँ पे,
سٹنگ کے لیے بینچ دیے گئے ہیں, اور یہ پلانٹیشن کے لیے پلانٹیشن کر سکتے ہیں آپ, یہاں پہ پلانٹ یا انسٹال کر سکتے ہیں, اس کے لیے اسپیس دی گئی ہے. بالکل سامنے ونڈو ہے, یہ اندر سے یہ اسٹیئرز کے سامنے آئے گی. یہ اس کے ٹیرس کا ڈیزائن ہے, اوپر اس کی ممٹی کا ویو ہے. یہ نش دی گئی ہے, یہاں پہ گروز میں ٹائل ورک ہوا ہے, یہاں اور یہ گراس یا انسٹال ہے. تو یہ اس کی فرسٹ فلور کا ویو تھا. بیک سائڈ پہ کچن اسپیس ہے, بیڈ روم ہے, یہ لیونگ ایریا. فرنٹ سائڈ پہ اگین بیڈ روم ہے, اور یہ ٹیرس ہے. ابھی ہم اس کی چھت اور ممٹی وزٹ کریں گے. کلر تھیم اس گھر کا اچھا ہے, ڈیزائن اچھا ہے, اور لوکیشن اس کی آؤٹ کلاس ہے. تو یہ 5 مرلہ میں ایک بیسٹ آپشن ہے. ابھی بالکل سامنے یہ چھت کا آپ کا مین ڈور آ جاتا ہے, اور یہ اس کی ممٹی ہے. ممٹی میں پراپر روم ڈیزائن کیا گیا, بالکل سامنے نش ہے, سیلنگ ڈیزائن. یہ اس میں وارڈروب ہے, یہ ونڈو ہے, اور یہاں پہ سرونٹ واش روم دیا گیا. ایشین سیڑھی انسٹال ہے فلی جو ہے. یہاں پہ ٹائل ورک ہے, اور چھت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل ورک ہے. یہ اس بلاک کا ویو ہے, 100% ڈیولپ ایریا ہے. 285 اس گھر کی ڈیمانڈ ہے, اور جو دوست 5 مرلہ ایک اچھا گھر بائی کرنا چاہ رہے ہیں اچھی لوکیشن پہ, اچھے کلر کمبینیشن کے ساتھ اور سولڈ کنسٹرکشن میں, تو یہ اس آپشن کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم اجازت دیں, اللہ حافظ.